समय हमारे साथ अक्षरा सिंह जुड़ रही हैं। अक्षरा को आपने टीवी स्क्रीन पर बहुत देखा होगा, भोजपुरी फिल्म में ही नहीं बाकी जगह भी विस्तार उनका हो रहा है। पटना की लड़की हैं अक्षरा, क्या यादें जुड़ी हैं छठ पर्व से? प्रणाम मैम और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। छठ पूजा से ढेरों यादें तो जुड़ी है, साथ ही बहुत ज्यादा आस्था है छठ पूजा के प्रति हमारी, हमारे पूरे परिवार की। और मुझे याद है छठ पूजा का मायना जब मुझे पता नहीं था, मैं जब बहुत छोटी थी, करीबन 5 साल की रही होंगी, उस समय शारदा जी का एक गीत आया था, चुगला करे चुगली बिलैया करे म्या। और इस गाने को सुनकर मैं बहुत ठहाके लगा रही थी, बिकॉज बहुत छोटी थी और उतनी समझ नहीं थी, पूजा का महत्व नहीं पता था। उस समय मेरी माँ आई और मुझे बेलन से बहुत मार मारा उन्होंने, और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसका महत्व क्या है और ये हमारे लिए कितना बड़ा पर्व है और क्या मायने रखता है। तब से कान पकड़ी आज तक वही आस्था बरकरार है, और कहीं भी रहूं जो भी पूजा करते हैं और जो जो चीजें फॉलो करनी चाहिए वो सब फॉलो करती हूँ शूट पर रहते हुए भी। तो आज भी तो आप जहां गंगा जमुना का संगम है वहां पर आप मौजूद हैं, हालांकि फिल्म की शूटिंग ही आप कर रही हैं प्रयागराज में, लेकिन वहां पर भी तो छठ पर्व खूब मनाया जाता है। आपने गीत भी बहुत सारे आपके साथ, एक मैं हाल ही में देख रही थी आपने इंस्टाग्राम पर डाला भी था अपना कोई नया गीत। आप छठ का पर्व है, आप सुनाएं, गीतों के बिना क्या छठ पर्व मनाया जाता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और हर साल की भांति मैंने इस साल कुछ नया गाना करने की मैंने कोशिश की है, जो कि अपने सोशली यू नो मैसेज पहुंचा सकूं अपने यंगस्टर्स तक। वो ये है कि जो हमारे समाज में उपेक्षित वर्ग हैं, हम सब छठ, जैसा कि कहा गया है, महापर्व है, और हम सब जाति पाति जितनी भी चीजें हैं ये सब बाद की बात आ जाती है, हम सब एक बराबर हैं छठ पूजा में। और उनके लिए ही मैंने एक गाना डेडिकेट किया है जो कि मेरे चैनल से रिलीज हुआ है।